नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी राज भाई। एक नए दिन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए चलते हैं फिल्मी सफर पे। वैसे मैं आज कोई मूवी रिव्यू नहीं करने वाला हूँ आपको, मैं 2020 की टॉप 10 जो मूवी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो समय कैसा भी हो तो बीत ही जाता है, आप जानते ही हैं। तो 2020 जानते कैसा रहा, मतलब कोरोना काल टाइम था पूरा, सब लोग भयभीत थे, हैरान थे, मतलब डरे हुए थे, मतलब ऐसा वायरल फैला पूरा वर्ल्ड में। तो OTT प्लेटफॉर्म एक मतलब ऐसा साधन आके निकला कि सब अपने घर में अकेले रहते हुए इंजॉय किए मूवी वेब सीरीज हो गई, मतलब एक मतलब बहुत ही अच्छा ये जरिया बना सबको एंटरटेनमेंट के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्लेलिस्ट को। वैसे जानते हैं कि मतलब टॉप 10 मूवी को आपके लिए रिकमेंड करना बताना मतलब पूरे साल के बहुत डिफिकल्ट काम है, आप समझ सकते हैं जो मतलब प्यार करते हैं सिनेमा से। तो मैं भी थोड़ा टाइम इसके लिए स्पेंड किया हूँ, आप देखिए, आशा करता हूँ आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये मेरी मतलब पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश किया सबका मतलब वो कर सकूँ, दर्शकों का मतलब जो मतलब बता सकूँ कैसे। आपकी अलग चॉइस हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं मूवी नंबर 10 की। जो मूवी नंबर 10 आती है उसका नाम थप्पड़। थप्पड़ क्या है, एक ड्रामा मूवी है। इसमें तापसी पन्नू ने और पावेल गुलाटी ने और दिया मिर्जा ने काम किया है। एक फैमिली ड्रामा मूवी, मतलब दिखाया है कि कैसे एक मतलब ये फीमेल ओरिएंटेड मतलब मूवी है। एक जबरदस्त एक्टिंग, हर चीज़ मतलब कहूँ तो सब चीज़ जबरदस्त है। अब बात करते हैं नंबर 10 हो गया ये, नंबर 9 की बात करते हैं। तान्हा जी, इसमें अजय देवगन ने एक्ट किया है, सैफ अली खान ने, काजोल ने। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है, मतलब शिवाजी के जो मतलब एक करीबी रहते हैं, बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब वो बहुत ही योद्धा रहते, बहुत अच्छे हैं, तो उनका दिखाया, उनके बारे में दिखाया गया है। बहुत ही बेस्ट मूवी है, मतलब आप देखिए, जबरदस्त एक्टिंग, हर चीज़ सब मिला के जिता। और बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 वैसे कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है, एक हॉलीवुड मूवी है जिसका नाम सोल। अभी मैं जल्दी इसका रिव्यू दिया हूँ, आपको देख ही होंगे आप। इसमें जेमी फॉक्स ने और टीना फे ने वॉइस ओवर किया है। वैसे एक एनिमेशन मूवी है ये, बहुत जबरदस्त जबरदस्त मुझको लगी है। मतलब इसका जो एक मैसेज जो है, हर चीज़ मिला, मतलब आप देखिए ना, सिनेटोग्राफी जो भी हो गया, मतलब जबरदस्त पूरी है ये सब मिला के। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 की मैं देना चाहूँगा इसको, अरे मीर अक्सम को। इसमें वो अपने नसीरुद्दीन शाह ने एक्ट किया है, और अपनी ये हो गई अदिति सुबेदी ने क्यों किया इसमें है। तो मतलब ये भी एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी है, मतलब क्या है, मुस्लिम थोड़ा कहानी इसमें है कि मुस्लिम फैमिली से एक लड़की रहती है, वो मतलब अपनी तेरा डांसर बनना चाहती है। तो बहुत ही जबरदस्त दिखाया गया है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। जो नंबर 6 मैं देना चाहूँगा इसको, नंबर 6 पे आती है दरबान। दरबान को आप इसका रिव्यू बना चुका हूँ, आप देखे ही होंगे। तो दरबान बहुत ही जबरदस्त मूवी है, मतलब एक फैमिली ड्रामा मूवी है। एक इसमें सरीफ हाशमी ने और शरद केलकर ने काम किया है, तो बहुत जबरदस्त मूवी ये भी है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पे आएगी सर, अभी जल्दी इसका रिव्यू बनाए, अभी अभी आप इसके बाद में कुछ दिनों आने वाले में देख सकते हैं इसका रिव्यू। इसमें क्या है, विलोत्मा सोम और विवेक गोमन ने काम किया। ये भी एक लव ड्रामा मूवी है, बहुत जबरदस्त है इसकी, मतलब थोड़ा अलग हटके कहानी है ये, देखेंगे तो आप फील करेंगे, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की मैं जो किया हूँ वो दास कैपिटल है। दास कैपिटल में इसमें यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा ने, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत ही जबरदस्त, मतलब ये बिहार पे कहानी बेस्ड है, बहुत ही जबरदस्त दिखाया गया है। मतलब हर चीज़, स्क्रिप्ट देखिए आप, एक्टिंग देखिए, सब काबिल तारीफ है। मैं इसको नंबर 4 पर रखा हूँ। अब नंबर 3 की बात करते हैं, हला हल। इसमें सचिन खेडेकर और वरुण सोबती ने काम किया। ये भी बहुत एक थ्रिलर मूवी थी, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कहानी ये है कि जो एक डॉक्टर बने हुए सचिन अपने, उनकी बेटी रहती है तो गायब हो जाती है, उनका वो पता करते हैं, और जो वरुण सोबती जो है इंस्पेक्टर रहते हैं, बहुत जबरदस्त, मतलब आप देखिए एक सीख जो है, मतलब हर चीज़ का सब जबरदस्त एक्टिंग, हर चीज़ की गई है। अब नंबर 2 जो बताना चाहूँगा उसका नाम है राम सिंह चारली जी। मैं कहूँगा और आप दी बेस्ट, मतलब जबरदस्त लगी है। इसमें कुमुद मिश्रा है और दिव्या दत्ता है लीड रोल में। देखिए मतलब हर चीज़ की, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, एक्टिंग देखिए, जबरदस्त स्क्रिप्ट देखिए, लगता नहीं मतलब बॉलीवुड की मूवी है, मतलब गजब इसकी मतलब हर चीज़ है। इतनी सदी हुई अदाकारी, इतनी सदी हुई मतलब हर चीज़ को, मैं क्या बताऊँ, जितना मैं मतलब तारीफ करना चाहता हूँ उससे कम है। अब इंतजार खत्म होने वाला है। नंबर 1 पे जो मूवी है उसका नाम है रात अकेली है। इसमें जो मेन लीड मतलब अपनी प्ले की है, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुई, राधा राधिका आप्टे हो गई, जबरदस्त, मतलब जो थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है ये, जबरदस्त मतलब मूवी। हर चीज़ की स्क्रिप्ट देखिए, इसकी डायरेक्शन देखिए, सिनेटोग्राफी देखिए, एक्टिंग नवाज सिद्दीकी, जानते हैं कि अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितनी बेस्ट एक्ट्रेस में, मतलब इतना अच्छा काम करते हैं बॉलीवुड के में, वो तो जबरदस्त रही है। आप देखिए, एंजॉय करिए, मेरे लिए थोड़ा टफ रहा, आप मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा जो मेरी लिस्ट है वो थोड़ा सबसे मतलब अलग, मतलब डिफिकल्ट थोड़ा वो ओपिनियन हो सकती है। आप देखिए इसको, अब
आप जाके कमेंट में बता सकते हैं कि मतलब आपकी कौन सी मतलब रैंकिंग किस मूवी की कौन सा देना चाहते हैं, या मतलब कौन मैं भूल गया या कौन ऐड कर सकता हूँ इसमें मैं, ये बता सकते हैं। तो सब मिला के यही था, मैं बहुत मुझे टाइम लगा बनाने के लिए इसको। आप देखिए आप बता कमेंट कमेंट जाके नीचे बता सकते हैं। तो चलिए यही था आज का वीडियो। अब इसके बाद एक नेक्स्ट आएगा वीडियो, मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ, उसमें बेस्ट मैं टॉप 10 आपको वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ तब तक लिए एंजॉय करिए मेरा वीडियो। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।